नमस्कार दोस्तों, कैपेसिटी में आप सबको स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज फिर आप लोग ले लेकर न्यू वीडियो। दोस्तों मैं जिस वीडियो में आप लोग बताने वाला दोस्तों जो ई कॉम इंटरप्राइज लिमिटेड कंपनी दोस्तों, इस कंपनी में जो दोस्तों आईटीआई पास स्टूडेंट का दोस्तों न्यू वैकेंसी निकाली है दोस्तों। अभी दोस्तों ये परमानेंट जॉब के लिए वैकेंसी निकाली है दोस्तों, जो आपको इसमें फुल टाइम जॉब दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए दोस्तों, क्योंकि इसमें दोस्तों कोई आपको टेम्पररी जॉब नहीं दिया जा रहा है, इसमें आपको परमानेंट जॉब दिया जा रहा है दोस्तों। और दोस्तों इसमें आपको सैलरी अच्छा दिया जा रहा है, ओटीपी इसके साथ आपको दिया जाएगा, एज लिमिट भी दोस्तों बहुत ही अच्छा रखा गया है। तो दोस्तों आप लोग मान के चलिए कि इसमें कुल मिला के सारा कुछ दोस्तों आपको अच्छा दिया जा रहा है दोस्तों, इसमें फैसिलिटी भी आपको अच्छा दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं सारा कुछ दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूँ दोस्तों, तो आप लोग शुरू से एंड दोस्तों इस वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ दोस्तों मैं ये जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ दोस्तों, तो आप लोग इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को तो जरूर पढ़िएगा दोस्तों, उसके बाद ही दोस्तों आप जो है इसमें जा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या सैलरी दिया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो अभी आपको सैलरी दिया जाएगा दोस्तों, वो आपको दिया जाएगा दोस्तों 15,860 रुपये पर मंथ दोस्तों आपको सैलरी दिया जाएगा, जो दोस्तों बहुत ही अच्छा आपको सैलरी दिया जा रहा है। उसके साथ जो दोस्तों आपको ओवर टाइम भी दिया जाएगा, जो 90 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से दोस्तों इसमें आपको ओवर टाइम दिया जाएगा दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं इसमें जो एज लिमिट रखा गया, एज लिमिट भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रखा गया है, जिनका एज दोस्तों इसमें 18 से 30 वर्ष तक है दोस्तों, वो दोस्तों इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा एज लिमिट रखा गया दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जिसमें दोस्तों 23 साल 24 साल रखा जाता है, लेकिन इसमें आपको 30 साल तक दिया गया दोस्तों। तो जिनका एज दोस्तों 30 साल तक है, उनको तो दोस्तों इस कैंपस परसेंट को मिस नहीं करना चाहिए, आपको इस कैंपस परसेंट में जरूर भाग लेना चाहिए दोस्तों। इसमें दोस्तों आईटीआई पासिंग ईयर ऑल पासिंग ईयर रखा गया, कोई यहाँ पे पासिंग ईयर दिया गया, आप किसी भी ईयर आईटीआई पास किया दोस्तों आप इस कैंपस परसेंट में भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों, आप लोग ऐसे कैंपस परसेंट मिस नहीं करना चाहिए दोस्तों, जाना चाहिए दोस्तों। लेकिन दोस्तों जाने से पहले आप लोग इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही दोस्तों आप कैंपस परसेंट में जाइए, ताकि दोस्तों आप जाने बाद कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। तो चलो दोस्तों फिलहाल चलते हैं ईकॉम इंटरप्राइज लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं ई कॉम एक्सप्रेस लिमिटेड के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पा चुके दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी नाम दिया गया जो ई कॉम एक्सप्रेस, और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं ये जो कंपनी दोस्तों फारूक नगर गुड़गांव में है, तो हम लोग जॉब लोकेशन भी फारूक नगर गुड़गांव में रहने वाला दोस्तों। यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें जो क्वालिफिकेशन लिया जा रहा है दोस्तों, वो आईटी पास हुए स्टूडेंट के लिए दोस्तों, ये दोस्तों वैकेंसी निकाले दोस्तों, तो आईटी पास हुए स्टूडेंट को दोस्तों इसमें जॉब दिया जाएगा दोस्तों। चाहे आप आईटी एनसीबीटी किए एनसीबीटी किए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, चाहे गवर्नमेंट आईटी आईटी किए प्राइवेट आईटी आईटी किए, दोनों दोस्तों इसमें जॉब पा सकते हैं दोस्तों। और जो आईटी वालों के लिए ट्रेड दिया गया दोस्तों, देख सकते हैं फिटर होल्डर इलेक्ट्रीशियन वायरमैन इलेक्ट्रॉनिक पेंटर एंड कारपेंटर ओनली दोस्तों। तो जो जो ट्रेड जाएगा दोस्तों उसी ट्रेड वालों को इसमें जॉब दिया जाएगा दोस्तों, अदर ट्रेड वालों को नहीं दिया जाएगा दोस्तों। तो जिनका जिनका ट्रेड है दोस्तों वही केवल इसमें जाएगा, अदर ट्रेड वालों को इसमें जाने का जरूरत नहीं है दोस्तों। एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं रिक्वायर एज जो रखा गया है वो एज आपका इसमें 18 से 30 वर्ष तक दोस्तों रखा गया है, जिनका एज दोस्तों इसमें 18 से 30 वर्ष तक है दोस्तों, वो दोस्तों इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं दोस्तों। तो एज लिमिट बहुत ही अच्छा रखा गया दोस्तों आप लोगों के लिए, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी ऐसी कंपनी होती है जिसमें दोस्तों 23 साल 24 साल से ज्यादा नहीं लिया जाता, लेकिन इसमें दोस्तों आपको 30 साल तक रखा गया। जिनका एज दोस्तों 30 साल तक है, उनको तो दोस्तों एक कैंपस प्लेसमेंट वेजिस नहीं करना चाहिए, आप लोगों को जाना चाहिए। और दोस्तों जेंडर की बात कर लेते हैं, तो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इसमें भाग ले सकते हैं, जो दोस्तों महिला और पुरुष दोनों को इसमें लिया जा रहा है, तो दोनों दोस्तों इसमें भाग लेके जॉब पा सकते हैं। और दोस्तों जॉब प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो इसमें जो आपको दोस्तों कोई टेम्पररी जॉब नहीं दिया जा रहा है, इसमें दोस्तों आपको परमानेंट जॉब दिया जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही अच्छा मौका दोस्तों, क्योंकि बहुत ही कम कंपनी है दोस्तों जो अभी परमानेंट जॉब देती है दोस्तों, तो इसमें आपको परमानेंट जॉब दिया जा रहा है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आपको तो इसमें मिस ही नहीं करना चाहिए। जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं, फारूक नगर गुड़गांव हरियाणा में आपका जॉब लोकेशन दिया जाएगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों इसमें जो आपको सैलरी एंड बेनिफिट दिया जाएगा, तो सैलरी इसमें आपको दोस्तों 13,500 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा दोस्तों, और दोस्तों उसके साथ आपको 1500 रुपये पीएफ दिया जाएगा, प्लस दोस्तों 90 रुपये पर घंटे के हिसाब से दोस्तों इसमें आपको ओटी दिया जाएगा दोस्तों। अदर बेनिफिट जो दोस्तों आपको दिया जाएगा, कैंटीन हॉस्टल प्रोवाइड कंपनी सब्सिडी रेट पे आपको दोस्तों दिया जाएगा। तो कैंटीन और जो हॉस्टल आपको दिया जाएगा दोस्तों, वो दोस्तों आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तो भी दोस्तों आपको दिया जाएगा। तो कैंटीन का दोस्तों ज्यादा नहीं लिया जाता है, आपको ज्यादा से ज्यादा 3-4 रुपया लिया जाता है पर डे का, बाकी हॉस्टल का दोस्तों लगभग आपको 1000-1500 रुपया ले लिया जाएगा, तभी आपको हॉस्टल फैसिलिटी दिया जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अभी आपको जो सैलरी यहाँ पे लगभग 13,500 रुपया दिया जा रहा है, प्लस आप 90 रुपया करके ओटी अगर करते हैं दोस्तों पर घंटे के हिसाब से, अगर 2-3 घंटा करके अगर पर डे ओटी चलते
आता है दोस्तों, तो आप कम से कम इसमें 20,000 रुपये पर मंथ कमा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद ये सोचिए दोस्तों, इसमें आपको परमानेंट रखा जा रहा है। अभी आपका सैलरी दोस्तों 13,500 रुपया है, लेकिन जब दोस्तों आपका 5 साल 10 साल हो जाएगा इस कंपनी में, तब दोस्तों आपका इसमें सैलरी लगभग 80-90 हज़ार के आसपास हो जाएगा दोस्तों। ये चल के चलिए दोस्तों, अभी मत देखिए कि अभी कम सैलरी दिया जा रहा है, बाद में आपका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों, तो इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों, इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना पड़ेगा वो रिज्यूम, बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10-12 का मार्कशीट, ऑल क्वालिफिकेशन का मार्कशीट, आपका जो भी क्वालिफिकेशन है दोस्तों, सारे क्वालिफिकेशन का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, उसके साथ बैंक का पासबुक, फोटो 4 कॉपी कलर वाला, और इन सब डॉक्यूमेंट का दोस्तों जेरोक्स को भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा दोस्तों, ताकि वहाँ पे जाने के बाद कोई दिक्कत ना हो। डेट ऑफ कैंपस प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं, तो 28 नवंबर 2022 को एक कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जाने, सुबह 9:30 बजे दोस्तों आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना है दोस्तों, देखते हैं कैंपस इंटरव्यू एड्रेस एंड वेन्यू दिया गया दोस्तों, जो गवर्नमेंट ITI जीन हरियाणा में ही दोस्तों एक कैंपस प्लेसमेंट लगाने के लिए जा रही, तो आप लोगों को वहीं पे जाना पड़ेगा दोस्तों। मैं आपको थोड़ा दोस्तों इसका ऑफिशियल बैनर भी दिखा देता हूँ, जो ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया गया कॉलेज से, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिये दोस्तों, जो कुछ मैंने आपको बताया नोटिफिकेशन पे, वही दोस्तों यहाँ पे सेम टू सेम लिखा हुआ है, तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं।